हेलो स्टूडेंट्स, आज क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी में मैं आपको सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ये दोनों टॉपिक्स आज मैं कंप्लीट करूंगी, जिसमें आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, यूनिट सेल्स का वॉल्यूम, लैटिस कांस्टेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। इससे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं, मिलर इंडेसेस, बेस लैटिस, प्रिमिटिव सेल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इन स्ट्रक्चर, ये जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, इनके कांस्टेंट अब हमको देखने हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्लोजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, तो इसके लिए हमें उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए होता है। इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर, लैटिस कांस्टेंट, ये सारे चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से। तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ये हमने एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ले लिया है। कोशिश यही कही है कि डायग्राम्स आपको समझ में आ जाए। ब्लैक बोर्ड है नहीं तो पेपर पे ऐसे ही बना। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एटम आप देखिए कॉर्नर पे, ये परस्पर एक दूसरे से टच करते हुए हैं। देखिए आप इसको क्लियरली एक दूसरे से टच करते हुए। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम परस्पर टच करते हुए क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर इस तरीके से स्थित होते हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है आपका, क्यूबिक यूनिट सेल, इसके ये कोने हैं और इनके अंदर जो आपके एटम हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए इस तरीके से स्थित होते हैं। तो ये देखिए आप इसका, मैंने एक ये पार्ट लिया, यहाँ देखिए ये एटम है, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है, ऐसे टच करते हुए आपके होते हैं। और ये जो दो टच करते हुए जो एटम्स हैं नियरेस्ट, उनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो ए है, दैट इज इक्वल टू 2r। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सम्यक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो क्या है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में किसी एटम के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की, ध्यान दीजिए, निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में किसी परमाणु के, कोई भी हम एटम ले लिया तो उसके चारों तरफ जो निकटतम परमाणु स्थित हैं, कितने स्थित हैं, उनकी जो संख्या है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें प्रत्येक एटम समान दूरी पर स्थित छह निकटतम परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है। तो ये सब समान दूरी पर स्थित है, तो एक एटम जो है छह एटम से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, छह होगा, क्योंकि हमने यही बोला है कि जो कोई भी एटम है किसी एटम के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या, तो इसमें जो इसके चारों तरफ जो निकटतम परमाणु हैं जिनसे ये घिरा हुआ है, जिनको ये टच कर रहा है, वो छह है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, छह है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, लैटिस कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ए इसका लैटिस कांस्टेंट है, यूनिट सेल ऑफ लैटिस का। अब मैंने आपको बताया ए कौन सी दूरी है, ये वो दूरी है जो टच करते हुए दो परमाणुओं के सेंटर के बीच की है, टच करते हुए दो परमाणुओं के सेंटर के बीच की है। ये भी टच कर रहे हैं
दो परमाणु के सेंटर के बीच की दूरी ए कहलाती है और ये इसका लैटिस कांस्टेंट है और ये ए बराबर टू आर, आर क्या है इफेक्टिव रेडियस ऑफ एटम। वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या निकलेगा, वी ए क्रॉस ए दैट इज ए क्यूब, एट आर क्यूब आ गया, ए बराबर टू आर आपने रख दिया, एट आर क्यूब गया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अब आप देखिए ये आपका यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के, तो ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर पर स्थित प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल के साथ साझेदारी करता है। सिंपल क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर पर स्थित प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल के साथ साझेदारी करता है, इसलिए एक सेल में एक एटम का, क्योंकि प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल के साथ साझेदारी कर रहा है, तो एक सेल में एक एटम का कितना पार्ट रहेगा, 1/8 भाग का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब चूंकि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हुए, एक यूनिट सेल पे 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं, 8 हो गया इंटू कितना भाग कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 भाग, तो 8 × 1/8 = 1। तो मैंने क्या बताया कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर पर स्थित प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल से साझेदारी कर रहा है, प्रत्येक एटम कितने यूनिट सेल से साझेदारी कर रहा है, 8 यूनिट सेल से साझेदारी कर रहा है पर प्रत्येक एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल में एक एटम का 1/8 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। तो चूंकि एक यूनिट सेल में 8 क्वार्टर पर एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपके पास आ गया 8 × 1/8 = 1। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने हो गए, 1। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट एटम्स इन यूनिट सेल, एटम आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, 1, तो 1 × 4/3πr³। 4/3π r की वैल्यू कितनी आ गई, a/2 आपने यहाँ रख दी, 6a³। तो ये आपके आप वॉल्यूम ऑफ द एटम यूनिट सेल। अब हम इसमें निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल अभी हमने निकाला है 5/6a³, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है आपके पास, a³ 5/6a³/a³ 5/6। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14/6। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया आपका, 0.52, दैट इज 52%। तो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है, इसी कारण से ये स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है, 0.52 होता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड होता है। केवल एक ही एलिमेंट है पोलिनियम जो सर्टेन टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है, अदरवाइज ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल, अब आप देखिए ये आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, दिस इज ए बी एंड सी, आई कैप अलोंग दिस एक्सिस, जे कैप दिस, के कैप। वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, ए आई, बी ए जे और सी ए के, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो आपके पास ए बी सी सब बराबर है, a = b = c है, तो आपके पास में ये आ गया। तो इसका वॉल्यूम है a·b×c, फॉर्मूला है इसका a³ (i·j×k), j×k इज i, i·i = 1, a³। तो ये a³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल है वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बराबर है, दैट इज इक्वल टू a³। तो ये है हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसके भी हम वापस वही सारी चीज़ें निकालेंगे। तो ये मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आपका बनाया है, फिगर समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा, उतना ही बनाया है।
तो इस प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम होते हैं। उसमें क्या होते थे, 6 हैं, इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। और सेंटर पर एक अन्य एटम होता है इसके, क्योंकि दिस इज बॉडी सेंटर, तो नाम से ही दिख रहा है, तो सेंटर पर एक दूसरा एटम भी होता है और जो इन सभी 8 एटम को टच करता है। तो इसके अंदर जो ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर पर जो एटम है वो देखिए वो एक दूसरे को टच नहीं करते, जब पूरे सिंपल क्यूबिक में करते थे ये आपके, ये देखो ये टच नहीं करते, इसलिए ये मैंने ये टच कर, अगर सिंपल क्यूबिक होता तो ये यूं होता, पर चूंकि ये सिंपल क्यूबिक नहीं है इसलिए टच नहीं करता, इसलिए मैंने इसको ये क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए, अगर सिंपल क्यूबिक होता तो ये टच करता, तो ये चूंकि ये टच नहीं कर रहा तो इसको मैंने यूं कर दिया। तो आप यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर्ड में जो कॉर्नर के एटम पर जो स्थित एटम है वो आपस में टच नहीं करते, परंतु जो सेंटर में जो एटम है आपके बॉडी सेंटर में एटम, वो सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड 8 निकटतम परमाणुओं को टच करता है। तो अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की फिर वही डेफिनेशन आप देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करती है। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें निकटतम परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आप ये देखिए, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसका निकालें, तो इस प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो ये कॉर्नर के एटम है ये एक दूसरे को टच नहीं करते, परंतु जो बॉडी सेंटर में इसके एटम है वो सेम डिस्टेंस पर स्थित 8 निकटतम परमाणुओं को टच करता है। तो अभी इसके निकटतम परमाणु कितने हैं जिनको ये टच कर रहा है, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। उसमें निकटतम परमाणु कितने थे, 6, तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। तो इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप ये देखिए कि अब मुझे निकालना है इसका लैटिस कांस्टेंट, तो लैटिस कांस्टेंट के लिए वही ए लैटिस कांस्टेंट है यूनिट सेल का। अब इसके अंदर देखिए मैंने ये ज्योमेट्री इसकी ली है, इस वाले फिगर को आप देखिए, तो इसमें मैंने ज्योमेट्री ली है DFEDE, ये DEFE, तो ये क्या है, सर DF square is equal to DE square plus EF square, okay? अब आप देखिए DE square किसके बराबर हो गया, A square plus A square, और EF square किसके बराबर हो गया, A square, तो A square plus A square plus A square। अब ये DF देखिए, यहाँ पर एक एटम है ये उसका सेंटर, यहाँ पर एक एटम है ये उसका सेंटर, और बीच में क्या है, बॉडी सेंटर्ड एटम है जो कि इन कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है। ये मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, पर जो सेंटर का एटम है वो उनको टच करता है। तो ये बीच में इनके जो एटम है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा एक एटम बनता, तो ये और ये इसको टच कर रहा है ये, अगर मैं इसको ऐसे बना, इसको मैं ऐसे बना लूं, तो ये पूरा एक एटम बन गया आपका, और ऐसे इसको बना लूं, तो ये पूरा एटम बन गया, और ये यहाँ पर ये इसको ये टच कर रहा है इस एटम को यहाँ पर। तो इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका एफ पॉइंट है और ये बॉडी सेंटर में स्थित है। तो दिस इज आपका ये पूरा 4R हो गया, R दिस इज 2R और 2R, तो ये पूरा आपके पास क्या हो गया, 4R। तो ये आपके पास डी एफ कितना हो गया, 4R, ये हो गया डी ई कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। अब आप देखिए इसके अंदर 4R स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 4R बाई रूट 3। आर इफेक्टिव रेडियस ऑफ एटम है, तो ए क्या है आपके पास, वही डिस्टेंस बिटवीन द एटम, पोजिशनल एट नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी कि निकटतम दूरी पर स्थित परमाणुओं के बीच की दूरी ए है, जिसे अपन 2R भी कहते हैं, तो 2R बराबर ए बाई रूट 3 2R। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वी बराबर ए क्यूब, तो आपके पास कितना आ गया, ये ए की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 4R बाई 3, तो आपके पास ये 64R क्यूब 3 रूट 3 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको ध्यान से समझिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि आपके पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो है ही, और उसके अलावा उसमें एक सेंटर में भी एक एटम है सिंपल क्यूबिक लैटिस के। तो सिंपल क्यूबिक तो एक आपके पास जो सिंपल क्यूबिक लैटिस था, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में हमने क्या कहा था कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के कॉर्नर पे स्थित प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल्स में साझेदारी करता है,
इसलिए एक सेल में एक एटम का 1/8 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। तो चूंकि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपका कितना निकला, 8 × 1/8। समझ में आया ना? तो ये हमने देख ही लिया कि 8 यूनिट सेल की सिंपल क्यूबिक लैटिस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर भी यही चीज़ है सिंपल क्यूबिक लैटिस की तरह कि कॉर्नर का में स्थित प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल में साझेदारी कर रहा है और एक सेल में एक एटम का 1/8 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। अब चूंकि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपके पास कितना हो गया, 8 × 1/8। तो ये तो अपना रहा ही। अब इसके अलावा एक लैटिस पॉइंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ ईच सेल, वो भी है हमारे पास, तो इसलिए +1 भी हो गया। तो 8 × 1/8 + 1 = 2। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया, एक तो है ही क्योंकि ईच सेल हैज 8 कॉर्नर्स एंड 8 सेल्स मीट एट ईच अदर, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर स्थित एटम्स का 1/8 पार्ट की साझेदारी होती है। और इसके अतिरिक्त देयर इज अ लैटिस पॉइंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ ईच सेल, तो 8 × 1/8 + 1, तो 2 एटम आपके पास हो। अब वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने हैं, 2। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। तो आपके पास कितना आ गया, 8/3 π √3/4³, और इसको आपने सॉल्व किया तो √3/8 πa³। तो ये आपके आ गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का वही फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल अभी हमने निकाला है, √3πa³ √3/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल a³, डिवाइड किया √3/8 आ गया, सॉल्व किया पाई की वैल्यू रखे, पैकिंग फ्रैक्शन आपका आ गया 0.68, यानी कि 68%, जबकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है 0.52, इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, जैसे सोडियम, लिथियम, क्रोमियम एक्सेट्रा। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन कम था, इसलिए वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो आज हमने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिए, उसका लैटिस कांस्टेंट निकाल लिया, उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल लिया, एंड वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली। और पैकिंग फ्रैक्शन से हमें ये पता लग गया कि चूंकि BCC का पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, और सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कम है, 0.52 है, तो इसलिए वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर डी ब्रॉगलीज इनके बारे में बताएंगे, और हो सकता है कि उस चैप्टर के बाद में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।